एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे जो दुनिया में मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी लिखी हुई महान रचनाएं दो देशों का नेशनल मैंथम है, इंडिया का जनगण मन और बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला, दोनों ही रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे हैं। सिर्फ यही नहीं, यह भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। पर एक हैरान करने वाली बात यह है कि इनका जीता हुआ नोबेल प्राइज 2004 में चोरी हो जाता है, यानी भारत का पहला नोबेल प्राइज कोई चोरी कर लेता है। तो क्या अभी भी वो चोर के पास है या फिर बाद में मिल जाता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन से। इनका जन्म 1861 कोलकाता में होता है। रविंद्रनाथ टैगोर, इनके पिता ब्रह्मो समाज के एक्टिव मेंबर होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर अभी अपने बचपन में ही थे कि उनकी मदर की डेथ हो जाती है। इन्हें पाला पोसा जाता है इनके सर्वेंट्स के द्वारा। घर में ही इन्हें एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है, एक ऐसा वातावरण मिलता है जिससे बहुत कुछ ये सीख पाते हैं। इनके भाई और बहन खुद कवि है, खुद फिलोसोफर हैं, कुछ संगीतकार हैं और कुछ कहानीकार हैं, तो उनसे ये काफ़ी कुछ सीखते हैं। इसलिए 8 साल की उम्र में ही ये कविता लिखनी शुरू कर देते हैं। 1878 में इन्हें इंग्लैंड भेज दिया जाता है क्योंकि इनके पिता रविंद्रनाथ टैगोर ये चाहते थे कि ये लॉ की स्टडी करें। लॉ की स्टडी में इन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना शुरू कर देते हैं वहाँ। 2 साल के बाद 1880 में बंगाल में वापस आ जाते हैं बिना किसी डिग्री के, और बंगाल वापस आकर पोइम्स, स्टोरीज और नॉवेल्स लिखना शुरू कर देते हैं। 1883 में 10 साल की मृणालिनी देवी से शादी कर लेते हैं। इसके बाद वो बहुत सारी रचनाएं लिखते हैं जिससे उनको बंगाल में नहीं, नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर प्रेस मिलती है। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर एक स्कूल इस्टेब्लिश करते हैं शांति निकेतन में, जिसका बाद में जाकर वो नाम रखते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी। 1913 में इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिलता है। इनकी जो पोइम गीतांजलि है उसको चूज़ किया जाता है नोबेल पुरस्कार के लिए। 1915 में किंग जॉर्ज इन्हें नाइटहुड की पदवी देते हैं। नाइटहुड की पदवी जिस शख्सियत को मिलती है वो अपने नाम के आगे मिस्टर हटाकर सर लगा सकते हैं, लेकिन ये जो नाइटहुड की पदवी अंग्रेजों द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को मिलती है, जलियांवाला बाग का जब इंसिडेंट होता है 1919 में, तो वो ये पदवी रिनाउंस कर देते हैं, वापस कर देते हैं। अब हम जानेंगे उनके मेन वर्क्स के बारे में। वैसे तो उन्होंने इतनी रचनाएं लिखी हैं कि वो इस वीडियो में भी कवर नहीं हो सकती, लेकिन मेन जो रचनाएं हैं उनकी, मैं उनकी लिस्ट जो दे रहा हूं यहां पर, फर्स्ट है शोकरबाली जो 1903 में पब्लिश होती है, देन गीतांजलि 1910 में पब्लिश होती है, गोरा 1910 में, द पोस्ट ऑफिस 1912 में, साधना 1913 में, घर और बाहर 1916 में, स्ट्रे बर्ड्स 1916 में, नेशनलिज्म 1917 में। तो आपने इसे ऑर्डर में याद कर लेना है। अब हम समझते हैं उनका ट्रू फ्रीडम का आइडिया। वो फ्रीडम के आइडिया में बिलीव नहीं करते थे, वो बिलीव करते थे ट्रू फ्रीडम के आइडिया में। दोनों में क्या फ़र्क होता है, देखिए वो कहते हैं कि ट्रू फ्रीडम का जो आइडिया है वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से बियॉन्ड जाता है। ठीक है, सिर्फ एक देश को आज़ाद कर लेना ही फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम इससे बढ़कर है। और टैगोर कहते हैं जिनको ऐसी राजनीतिक आज़ादी मिलती है वो फ्री नहीं है, वो सिर्फ पावरफुल हो सकते हैं। ये सिर्फ पावर ट्रांसफ़र होगी ब्रिटिशर से इंडियंस को, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिया के लोग आज़ाद हो गए हैं। ट्रू फ्रीडम वो उसको मानते हैं जिसमें इंडिविजुअल जो है खुद को सुप्रीम पर्सन के क्लोज लेकर आता है, नियर लेकर आता है, विच मीन्स ऐसी शख्सियत बन जाता है वो जिसमें देवी गुण हो, जो पुरुष ना कहलाया जाए बाद में, महापुरुष कहलाया जाए। तो जिस देश को आज़ादी मिलती है, जिसको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलती है, उसमें जो उसके सिटीजन हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी पर्सनैलिटी इतनी डेवलप नहीं हो सकती कि उन्हें परफेक्शन के लेवल पर लेकर आया जा सके। सो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इंडिविजुअल को परफेक्शन तक लेकर नहीं जा सकती। तो इसलिए कहते हैं ट्रू फ्रीडम की 4 स्टेजेस होती हैं जिसको अचीव करना हर इंडिविजुअल का अपनी लाइफ में कर्तव्य होना चाहिए। पहली स्टेज ये है
कि फ्रीडम को इंडिविजुअल लेवल पर रियलाइज़ करना, खुद से भी मुक्ति पाना, अपने सेल्फ से मुक्त होना, देन फिर रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम एट कम्युनिटी लेवल, फिर अपनी कम्युनिटी के लेवल पर आपने फ्रीडम को समझना है, उसके बाद आपने फ्रीडम को समझना है यूनिवर्स के लेवल पर, देन आपने फ्रीडम को समझना है इन्फिनिटी लेवल पर, वो लेवल जहाँ पर लिमिट ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर टाइम और स्पेस मैटर नहीं करता। और इस इन्फिनिटी पर, इस पोजीशन पर अगर कोई पहुँचता है तो उसे वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति परम पुरुष बन जाएगा। तो इस फोर्थ स्टेज को तभी अचीव किया जा सकता है, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, जब इंडिविजुअल खुद को मटीरियल थिंग्स से दूर करेगा, जब वो मटीरियल लाइफ को ही सिर्फ अपनी लाइफ में प्रेफरेंस नहीं देगा, जब वो स्पिरिचुअल लाइफ को भी जीने लगेगा, जिसमें वो अपनी सेल्फ को, अपनी अपनत को, अपनी मैं को ख़त्म करेगा। और इसके साथ आप ये भी समझ लीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का आइडिया है इंडिविजुअलिज्म का, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म का, रविंद्रनाथ टैगोर उसके भी अगेंस्ट थे, क्योंकि वेस्टर्न आइडिया में इंडिविजुअल जो है सोसाइटी से पहले है, कम्युनिटी से पहले है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ये नहीं मानते, वो नहीं मानते कि इंडिविजुअल ही जो है वो अपने आप में सब कुछ है, रैदर वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल को अपनी सेल्फ से, अपनी कम्युनिटी से, अपने देश से आज़ाद होकर सोचना चाहिए, उसे अपने सोचने और समझने की ताकत को वाइडन करना चाहिए, यूनिवर्स यानी इन्फिनिटी लेवल तक लेकर जाना चाहिए, जिसका मतलब है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसमें उसने जो जात पात धर्म और नस्ल का चश्मा लगा रखा है उसको उतार फेंके और वाइडन सोचने लगे, अपनी सोच का दायरा बढ़ाकर सोचने लगे। अब हम समझते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का इम्पोर्टेंट आइडिया, नेशनलिज्म का आइडिया। नेशनलिज्म के आइडिया को समझने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर पहले ये बताते हैं कि जो नेशनलिज्म का आइडिया यूरोप में डेवलप हो रहा है, और एक नेशनलिज्म का आइडिया जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट इंडिया में डेवलप हो रहा है, दोनों अलग अलग हैं। हम यूरोपियन आइडियाज़ को फॉलो नहीं कर सकते जब हम इंडिया की आज़ादी चाहते हैं, जब हम इंडिया के नेशनलिज्म की बात करते हैं। तो वो कहते हैं जो यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया आता है, वो आता है मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। जैसे जैसे साइंस विज्ञान आगे बढ़ता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती है, वैसे वैसे नेशनलिज्म का आइडिया भी जो है यूरोप में जन्म लेना शुरू कर देता है। वो ये मानते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, लोग अब इंडस्ट्री लगा सकते हैं, जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर हाथ मिलाते हैं कि इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भरपूर फ़ायदा लिया जाए, और क्यों ना अपने बेनिफिट्स को, अपने प्रॉफिट्स को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज़ किया जाए। तो इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ऐसा नेशनलिज्म का आइडिया जिसमें सिर्फ बेनिफिट्स की वजह से लोग इकट्ठे होते हैं, खुद ज्वाइन करते हैं, कम्युनिटीज़ बनाते हैं, उस आइडियाज़ में नैतिक और सामाजिक कीमतें यानी मॉरल और सोशल वैल्यूज़ की कमी है। ऐसा नेशनलिज्म सिर्फ अग्रेसिव होगा, जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखा जा रहा है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स को देखा जा रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि यूरोपियन नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्पस के लिए बना है, इसलिए ऐसा नेशनलिज्म का आइडिया जिसमें मॉरल और सोशल वैल्यूज़ दोनों की कमी है, वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, वो इंसानियत नहीं समझ सकता, वो सोसाइटी में किसी तरह के नैतिक मूल्यों की कदर नहीं कर सकता। ऐसे नेशनलिज्म में सिर्फ पैसे और सत्ता के लिए लोग जो है लालची हो जाएंगे, इसमें कुछ भी जो है समाज की, इसमें समाज की किसी भी तरह की कोई भलाई नहीं होगी। ऐसे नेशनलिज्म में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर डिटरमिन करती है आपकी सोशल पोजिशन, आपने इकोनॉमिकली क्या कमाया है, आप फाइनेंशियली कितना वेल हो, जहाँ आप पॉलिटिकली कितने पावरफुल हो, यही डिटरमिन करते हैं कि आप सोशल पोजीशन क्या है, क्या समाज में आप बड़े आदमी हो या छोटे आदमी हो। आप बड़े आदमी हो अगर आपके पास पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर दोनों हैं, आप छोटे आदमी हो अगर आपके पास ये दोनों पावर नहीं है। तो इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितने ही उसके अंदर अच्छे गुण हों, वो नहीं देखे जाएंगे, देखा जाएगा तो सिर्फ उसकी मटेरियल वेलबींग, सिर्फ उसकी पॉलिटिकल पावर। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं ऐसे लोग जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर के भूखे हैं, तो वो सिर्फ अपने रीजन के मटेरियल रिसोर्सेज तक सीमित नहीं रहेंगे, वो इससे और आगे बढ़ेंगे,
वो दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे, दूसरी रीजन्स को एक्सप्लोर करेंगे, उनको भी एक्सप्लोइट करेंगे, उनको भी यूज़ करेंगे अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो बिल्कुल ये नेशनलिज्म की जो फॉर्म है, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, ये आगे चल के कॉलोनियलिज्म, बस्तीवाद और इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद की एक फॉर्म ले लेता है। और बस्तीवाद और साम्राज्यवाद क्या जन्म देते हैं? वो जन्म देते हैं युद्ध को, वार को, वेपन्स को, वॉयलेंस को, हिंसा को। तो इंसान क्या, पूरी इंसानियत को ख़त्म कर देते हैं। तो टैगोर ऐसे नेशनलिज्म के अगेंस्ट थे। लेकिन इंडिया में जो नेशनलिस्ट फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी उस टाइम पर, हम ये नहीं कह सकते कि टैगोर पूरे उसके अगेंस्ट थे। टैगोर खुद चाहते थे कि अंग्रेज जो है वो भारत को छोड़कर चले जाएं। लेकिन उनका ये भी फोकस था कि सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ही नहीं मिलनी चाहिए, इसके साथ साथ हमें लोगों में मॉरल और सोशल वैल्यूज़ भी जो है भरनी चाहिए, हमें उन्हें इंसानियत का पाठ भी जो है पढ़ाना चाहिए, ताकि उनकी जो सोच है एक राष्ट्रवाद के दायरे में, उन धर्म के दायरे में, जहाँ उनकी जात के दायरे में, उससे वो आज़ाद हो सकें। अब हम समझते हैं क्रिटिक ऑफ गांधी, टैगोर जो थे वो गांधी के क्यों अगेंस्ट थे। इसमें मैं गांधी और टैगोर के दोनों के व्यूज़ बताऊँगा कि टैगोर गांधी के अगेंस्ट क्यों थे और किन वजह से अगेंस्ट थे, और गांधी ने उस सब चीज़ों का कैसे जवाब दिया, कैसे टैकल किया उन सब चीज़ों को। टैगोर और गांधी चाहे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रखते थे, उनकी विचार जो है वो नहीं मिलते थे, लेकिन टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा और गांधी ने टैगोर को गुरुदेव कहा। आज भी ये दोनों शख्सियत इन्हीं नामों की वजह से जाने जाते हैं, महात्मा गांधी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। जैसा कि मैंने बताया कि टैगोर इंडियन नेशनल मूवमेंट के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जिस डायरेक्शन की तरफ जा रही थी उसके अगेंस्ट थे। वो गांधी को क्रिटिसाइज़ करते हैं उनके पैरोकियल नेशनलिज्म की वजह से, यानी नैरो नेशनलिज्म की धारणा होने की वजह से। वो मानते थे कि गांधी जो है पूरी तरह से वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं, पूरी तरह से उन्हें रिनाउंस करते हैं, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन में भी कुछ अच्छे गुण हो सकते हैं। तो इसलिए वो गांधी को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि गांधी में एक ट्रेडिशनल ईगोइज़म है, जिसमें वो सिर्फ भारतीय परंपरा, इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा को ही जो है बेस्ट मानते हैं दुनिया में, और उनके लिए कोई सभ्यता अच्छी हो ही नहीं सकती। और वो अगेंस्ट है गांधी के अनार्किज्म को लेकर, अनार्किज्म मतलब अराजकता को लेकर, जिसमें गांधी किसी भी तरह की जुडिशरी, जिसमें गांधी किसी भी तरह के मनुष्य द्वारा बनाए गए अदालतें, राज, सरकारें, ऐसे सिस्टम को बिल्कुल नहीं मानते थे। टैगोर गांधी को इसलिए भी क्रिटिसाइज़ करते थे कि गांधी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को सिर्फ स्वराज तक कन्फाइन कर दिया है, सिर्फ स्वराज तक लिमिट कर दिया है, इसमें स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज़ जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। गांधी के नेशनलिज्म को टैगोर अग्रेसिव नेशनलिज्म का पार्ट बताते हैं कि गांधी के नेशनलिज्म में और यूरोपियन नेशनलिज्म में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता। लेकिन गांधी जो है टैगोर की इन सब बातों को डिफेंड करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा नेशनलिज्म अग्रेसिव नेशनलिज्म कैसे हो सकता है। गांधी कहते हैं कि मेरी जो मूवमेंट है वो नॉन वायलेंट है, और इसमें मैं किसी भी तरह के नैतिक मूल्यों को इग्नोर नहीं कर रहा। गांधी टैगोर को यह भी क्लियर करते हैं कि स्वराज में सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम की बात नहीं की जा रही है, स्वराज में मॉरल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग दोनों की बात की जा रही है, यानी नैतिक और आध्यात्मिक चेतना दोनों की बात की जा रही है, जिसकी बात टैगोर अपने ट्रू फ्रीडम के आइडिया में बात करते हैं। गांधी ये भी समझाते हैं कि एक डूबता हुआ आदमी दूसरे आदमी को कैसे बचा सकता है, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुद को बचाएं। सो इंडियन नेशनलिज्म एक्सक्लूसिव नहीं है, अग्रेसिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है, ये ऐसा नेशनलिज्म है जिसमें अच्छी सेहत है, जिसमें धर्म है, जिसमें इंसानियत है। तो इंडिया के लोगों को सबसे पहले जीना सीखना होगा, तभी वो इंसान के लिए, इंसानियत के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ मर सकते हैं। लेकिन ये जीना उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के अंदर नहीं आएगा। जब वो अंग्रेज़ों से आज़ाद होंगे तभी वो सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकेंगे, इंसानियत को समझ सकेंगे, अपने धर्म को समझ सकेंगे। टैगोर गांधी को क्रिटिसाइज़ करते थे दो और बातों के लिए। टैगोर कहते थे कि गांधी ने जो चरखा पॉपुलराइज किया है,
ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि ये चरखा कुछ नहीं मात्र एक सिंबॉलिक चीज़ है। इसमें लोगों को किसी तरह की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस या उनकी कोई भी इसमें बड़ी भलाई नहीं हो रही है। अगर लोगों को कोऑपरेटिव फार्मिंग सिखाई जाए, टैगोर मानते थे कि लोगों को चरखा नहीं कोऑपरेटिव फार्मिंग सिखानी चाहिए, अगर लोगों को कोऑपरेटिव फार्मिंग सिखाई जाए तो वो इकोनॉमिकली वेल हो सकते हैं, चरखे से वो इकोनॉमिकली वेल नहीं हो सकते हैं। गांधी का एक आइडिया था वर्ण आश्रम का, यानी गांधी कास्ट सिस्टम में बिलीव करते थे। गांधी बिलीव करते थे कि समाज में लेबर डिवीज़न ऑफ लेबर होनी चाहिए, अगर वो कास्ट के आधारित पे हैं तो वो ठीक है। टैगोर मानते थे कि कास्ट के आधार पर भी लेबर की डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, मजदूरी भी जो है वो स्किल के आधार पर होनी चाहिए, जिसको जो आता है जो करने के वो कैपेबल है उसे वो करना चाहिए। हालांकि कई लोग कहते हैं कि गांधी का जो वर्ण आश्रम है कास्ट सिस्टम है वो इतना रिजिड नहीं था, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी थी, ब्राह्मण शूद्र का काम कर सकता है और शूद्र ब्राह्मण का कर सकता है, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम करना चाहते हैं। लेकिन इसमें क्या ठीक है और क्या गलत है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ नोबेल प्राइज़ जो चोरी हो जाता है 2004 में। देखिए ये मैंने न्यूज़ भी 2004 की निकाली है। तो 2004 में ये रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल प्राइज़ चोरी हो जाता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो शांति निकेतन में है उसके म्यूज़ियम से। तो क्या ये नोबेल प्राइज़ वापस मिलता है, क्या वो चोर पकड़ा जाता है? हाँ चोर पकड़ा जाता है, लेकिन बहुत सालों बाद, 12 साल बाद, यानी 2016 में वो चोर पकड़ा जाता है। और वो एक बॉल सिंगर हैं जिनका नाम प्रदीप बौरी है, और नोबेल मेडल जो है वो वापस कर दिया जाता है। आज वो जहाँ से चोरी हुआ था वहीं पर है। तो ये एक काफ़ी नमोशी वाली बात थी, काफ़ी एक एम्बेरसमेंट थी कि इंडिया का जो पहला नोबेल प्राइज़ था वो चोरी हो गया। तो इसकी सिक्योरिटी जो है उम्मीद है अब बढ़ा दी गई होगी, दोबारा चोरी नहीं होगा। तो अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।